इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एसटीआर टी10 के आज के मैच नंबर 1 के बारे में, जो आपका खेला जाएगा दोस्तों एसएनए और एलओआर टीम के बीच में। ये मैच आपका ध्यान रखिएगा दोपहर के 12:30 से स्टार्ट होगा। इस मैच के रिगार्डिंग आपको दोनों टीमों के सभी प्लेयर का स्टैट्स, उनका रीसेंट मैचों का परफॉर्मेंस और इस मैच के रिगार्डिंग, यदि आपके पास टाइम उतना नहीं है एक एक चीज़ को समझने का, तो आप डायरेक्ट फाइनल टीम भी सेव कर सकते हैं जो वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए डाल दिया है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा फोकस करें मैच पे। मैच स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए अच्छा है। रोटेशन के लिए भी मैंने 2-3 ऑप्शन आपके साथ शेयर किया है जिनको आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, जितने भी न्यू मेंबर देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको फाइनल टीम वीडियो में शेयर किया है, कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा उस टीम में फाइनल प्लेइंग 11 आने के बाद, तो फाइनल अपडेटेड कम्बिनेशन टेलीग्राम पे भी आपके लिए आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी आप देखिएगा तो पहला कमेंट आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का ईजिली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं आज का जो टी10 का फर्स्ट मैच है जो आपका एसएनए और एलओआर टीम के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में हम लोग कम्बिनेशन अपना किस तरह से रेडी करेंगे। देखो यार, सबसे पहले आते हैं हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में। पहले तो यहाँ पे कोई काम का ऑप्शन नहीं है, सच बता रहा हूँ। इस मैच में ना विकेट कीपिंग सेक्शन में जितने भी ऑप्शन है, ऐसे तो दो ही नाम आपको मिलेंगे, एस्तत और दोस्तों नीचे से जेब्रम खेल। अब ये दोनों खिलाड़ी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दोनों उतना अच्छा बैट्समैन नहीं है। बैटिंग पहले दोस्तों करने आएगा एस्तत तो ऐसे लास्ट मैच में ओपन ही आ गया था। और जे ब्रह्मखेल का बैटिंग पोजीशन आपको 3 नंबर पे दिखेगा इस मैच में। बैटिंग पोजीशन का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्लेयर ऐसे देखो तो पहले ही आ रहे हैं बैटिंग करने, लेकिन बैटिंग से स्कोर तो करे। बैट दोस्तों ये लोग सही से चलाते नहीं है, बॉल दोस्तों कहीं पर रहता है, बैट भासते कहीं पर है। तो ये दोनों से आप कोई ज़्यादा उम्मीद मत करना, आपको जो भी पॉइंट देंगे वो मेनली दोस्तों आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देने वाले हैं, ठीक ना, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है नीचे, ये सब तो खेल ही नहीं रहे और इनमें से किसी का कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं है, तो अभी के लिए इस तत्व को ही रख लाऊँ क्योंकि कम से कम ये ओपन कर रहा है और विकेट कीपिंग तो दोनों ही करेगा। आप कोई भी ले सकते हो, कोई दबाव नहीं है, आपको जिसको मन करे उसको ले लो, कोई उतना खास ऑप्शन नहीं है। चलिए बैटिंग सेक्शन में आते हैं, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले दोस्तों जेगाजेगाई को ले लो, इम्पॉर्टेंट बैट्समैन है, टॉप क्लास फॉर्म में चल रहा है, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएगा, टीम में एकदम होना चाहिए। फिर नीचे से दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा एसएनएन के बहुत अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर कृष्णन का, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग आपको दोनों करके दे रहा है, रेगुलर कर रहा है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। पी ओमनी का ख्याल रखिएगा, यदि खेलता है तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ओके ना। अब लास्ट कुछ मैच से नहीं खेल रहे इसी वजह से लोग इन पर फोकस नहीं कर रहे, बट खेले तो इन पे आपको फोकस ज़रूर करना है, इग्नोर करके मत जाइएगा। और यदि ये खेलता है तो ध्यान रखिएगा ओपन बैटिंग करेगा, ठीक ना, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यदि ये खेलेगा तो आपको डायरेक्ट ओपन बैटिंग करता हुआ मिलेगा। मैं अभी के लिए नीचे से दोस्तों एम बैगर्स को लेना चाहूँगा, 36% सिलेक्शन है, लेकिन जब मैंने इनका बैटिंग देखा है ना, सच बता रहा हूँ बैटिंग इसने काफ़ी कम मैच खेला है, दोनों मैच इनका बहुत अच्छा था, बैटिंग से सॉलिड दिखे हैं प्लेयर, उम्मीद करते हैं इस मैच में अच्छा करके जाए। और यदि मैं बता रहा हूँ यदि ये प्लेयर खेलता है पी ओमरी, इसको ड्रॉप करके इसको ले लेना, ये डायरेक्ट रोटेशन करना, यदि ये ना खेलेगा तो फिर इसको ले लेना। नीचे से ये सब टाइम पास वाले प्लेयर को आपको अपनी टीम में जगह नहीं देना है, ठीक ना, किसी को नहीं देना है, क्लियर बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आ जाओ डायरेक्ट ऑलराउंडर सेक्शन में, एल कस्तूरी उठा लो, केजा उठा लो, काम क्या है दोस्तों इनका, तो ये ओपन बैटिंग करेंगे, 2 ओवर का बॉलिंग, ये भी आपको ओपन बैटिंग प्लस 2 ओवर का बॉलिंग, दोनों ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इस मैच के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोनों, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। इसके अलावा आप अदर किसी को नहीं भी करोगे तो चलेगा, बेस्ट है, दोनों एकदम बेस्ट है। एस भारती
एलओआर टीम का सेकेंड सबसे शानदार बैट्समैन, जो बहुत अच्छा टच में चल रहा है बैटिंग से। और एक चीज़ अच्छा लगा दोस्तों कि रिसेंट मैचों में ये बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो एज अ वाइस कैप्टन यदि आप थोड़ा सा डिफरेंट जाना चाहते हो, क्योंकि सभी लोग देखो एल कस्तूरी और के झा को ही कैप्टन मिसी करेंगे क्योंकि दोनों ही बेस्ट है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा हटके जाना चाहते हो तो एस भारती भी ख़राब ऑप्शन नहीं है एज अ वाइस कैप्टन के लिए। ओके, थोड़ा सा बैटिंग नीचे करेगा, दो नंबर पे बैटिंग करने आएगा और उसके साथ साथ आपको दो ओवर का बॉलिंग भी तो कर रहा है। स्टार्टिंग के मैच में रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रहे थे, बट रीसेंट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं। एम उमरखेल आपको बैटिंग बैकअप से रन करके देगा, अच्छा बैट्समैन है, बैकअप कर सकते हो टीम में, ठीक ना। दो मैच खेले, दोनों मैच इनका शानदार गया बैटिंग से। जेट संधु से मुझे उम्मीद है नहीं। डी विजय सेकरा 19% सिलेक्शन है, रोटेशन पे फोकस रखना। ये देखो बॉलिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ओवर करेगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बॉलिंग अच्छा कर नहीं रहे, माइनस में ज़्यादा पॉइंट देते हैं, विकेट कम लेते हैं। आप लेना इनको चाहते हो तो आप पिक कर सकते हो, कोई मना नहीं है। इनको लेना हो तो आप रोटेशन भी कर सकते हो दोस्तों एम वागेश की जगह, ठीक ना। डी विजय सेकरा और ये इस मैच का पहला रोटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एल आर्क यदि खेलता है तो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है। टूर्नामेंट इनका बहुत शानदार गया नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में इन्होंने अपना नाम ज़रूर बनाया है। इस टूर्नामेंट का जो सबसे बेस्ट कैच होता है ना T10, मैं बता रहा हूँ T10 के जो हिस्ट्री का, ये जो T10 चलता है 2018-17 से दोस्तों ये T10 स्टार्ट है। T10 के पूरे हिस्ट्री का इस बंदे ने सबसे बेस्ट कैच किया है, तो नाम तो इसने अपना ज़रूर कर लिया है। वही है, बैटिंग बॉलिंग उतना शानदार नहीं गया, इसी वजह से टीम इनको बाहर कर दी है। ध्यान रखना यदि खेलता है तो हाई चांस है कि मैं इसको टीम में रख लूँगा, यदि ये खेलेगा तो कोई ले चाहे ना ले, इज अ गुड प्लेयर यार। और फील्डिंग तो ज़बरदस्त है, फील्डिंग से ही दो तीन कैच आपको दे देगा। एज गिल मैं लेना नहीं चाहूँगा, उतना खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। नीचे से कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, क्योंकि देखो रिकॉर्ड तो मेरे पास सभी प्लेयर का है। जे धीमान बहुत अच्छा प्लेयर है, एन सोगी बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, मैं और दिखाता हूँ एक और प्लेयर है किधर गया, हाँ एस सहीद बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ये सब प्लेयर अभी खेल नहीं रहे। ये सब खेलेंगे तो इनका रिकॉर्ड मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, कैसे रखना है वही पे मैं आपको फाइनल अपडेट दे दूँगा। अभी के लिए बस जितना प्लेयर बता रहा हूँ आप पिक कर लो। बॉलिंग सेक्शन में आओगे, असुरी मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है यार, डेथ बॉलर है, टीम का डेथ बॉलर है, बहुत शानदार फॉर्म में चल रहा है, मस्ट पिक है। बीकवाल भी अच्छा किया है टूर्नामेंट में, बैक कर सकते हो, स्पिनर है, टर्न से ज़्यादा नहीं, मेनली दोस्तों बॉल को ग्रिप करवा के विकेट ले रहा है। परफॉर्मेंस समटाइम ज़्यादा रन दे देते हैं लेकिन विकेट ले जाते हैं, आप एक से दो विकेट का उम्मीद आप इनसे निकाल सकते हो, और सामने उतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है तो विकेट ज़रूर मिलेगा। एन एडवाणी को भी आपको ज़रूर रख लेना है, कंटिन्यू सभी मैच में दो ओवर का बॉलिंग कर रहे हैं और कंटिन्यू सभी मैच में एक विकेट तो ज़रूर लेके आ रहे हैं, दो दो विकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एक विकेट ज़रूर निकाल जाते हैं, तो इनको भी आपको मस्ट है, ज़रूर ले लेना है। सुभाष को मैं लेना नहीं चाहूँगा। सहूजा या ये एक ऐसा ऑप्शन है जिन पर आप फोकस रख सकते हो, आपको दो ओवर का कन्फर्म बॉलिंग करके देंगे, रोटेशन पर ज़रूर आप इनको फोकस रखना, ये आपका इस मैच का सेकेंड रोटेशन रहेगा। वाई अब्बास भी एक ऐसा बॉलर है जो दो ओवर का आपको कंफर्म बॉलिंग करके देगा। दोनों का सिलेक्शन कम है क्योंकि दोनों ने टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा इग्नोर करके चलो। दोनों में से आप एक प्लेयर को अपने टीम में रोटेशन में यूज़ करना चाहते हो तो आप किसके जगह पर रख सकते हो, देख के बताता हूँ, वेट करो। हम लोग किसके जगह ट्राई कर सकते हैं, एक तो एम बैगेज की जगह ही है मेनली रोटेशन के लिए। आप एम बैगेज की जगह यदि मान के चलो पी ओमरी नहीं खेलता है तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ऑलराउंडर सेक्शन में मान के चलो दोस्तों डी विजय सेकरा के साथ आप रोटेट कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा टीम बना रहे हो, तो फिर आप इसी को ना ये वाई अब्बास और डब्लू सहूजा के साथ रोटेशन में यूज़ करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा ना मैं और कोई प्लेयर के साथ करना नहीं चाहता हूँ, ये सब मेरा बेस प्लेयर है इस मैच के रिगार्डिंग जो आपको टीम में रखना चाहिए, ठीक ना। मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बेसिक ये टीम रखो, फोकस रोटेशन पे डब्लू सहूजा वाई अब्बास, ये दोनों में से एक एक प्लेयर को आप रोटेशन पे यूज़ कर सकते हो। ये दो हो गया, यहाँ से डी विजय सेकरा हो गया, ये तीन प्लेयर पे रोटेशन आप अपना यूज़ करना।
और कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो मैं खुद उसका अपडेट दे दूंगा। कैप्टन मिसी के लिए किस पे जाओगे? देखो कैप्टन मिसी के लिए ना ये दो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन मिसी के लिए, ठीक ना। बट सिर्फ दो ही ऑप्शन को लेके हम लोग क्यों जाएंगे? एक्स्ट्रा ऑप्शन देख लो, एस भारती ज़रूर ट्राई करना है एज अ बीसी, कैप्टन मत करना, ओके ना, मैं जो बता रहा हूँ वो भी समझो, कैप्टन मत करना, ट्राई करना एज अ वाइस कैप्टन, किसी टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा और किसी को मैं नहीं करना चाहूँगा, बस यही दो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। चलिए अभी के लिए ये टीम को आप लोग सेव कर लीजिए, कोई चेंज कोई अपडेट करना भी होगा इस टीम में लास्ट टाइम में तो मैं खुद आपको फाइनल टीम एक बार फिर से टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लेना। कोई चेंज होगा टीम में तो आप लोग अपना कम्बिनेशन अपडेट कर लीजिएगा, कोई चेंज ना हो तो यही टीम के साथ आप प्ले कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे आप जाके देखो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाओगे सबसे पहला कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ भी लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करते हैं टेलीग्राम ओपन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके ना। और साथ ही साथ जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो नोटिफिकेशन का घंटी होता है ना इसको ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।